एवरी वन वेलकम बैक और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉट इज डॉकर नेटवर्क तो डॉकर नेटवर्किंग के बारे में अंदर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो येस बाई कैन एक्सेस द डॉकर कंटेनर तो वो इंटरनेट एक्सेस हमारे डॉकर को कैसे मिलता है हमारे डॉकर कंटेनर का आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है तो वो सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं दैट हाउ नेटवर्किंग वर्क इन साइड ए डॉकर सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट डॉकर में हमारे पास सेवन तरह के डिफरेंट नेटवर्किंग टाइप्स होती हैं दैट इज वी हैव ब्रिज वी हैव होस्ट वी हैव ओवरले वी हैव आई पी वी लैन मैक वीलान एंड नन ओके सो एक एक करके इनको समझते हैं दैट वॉट डज दिस मीन्स एंड हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू ओके तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आता है ब्रिज सो ब्रिज जो होता है ना वो एक डिफॉल्ट नेट होता है ठीक है मतलब वो क्या करता है जब तुम कोई डॉकर कंटेनर बनाते हो और तुम कोई भी नेटवर्क स्पेसिफाई नहीं करते तो वो क्या करता है बाई डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क को यूज करता है हाउ जो तुम्हारा लैपटॉप है ना मतलब जो तुम्हारी होस्ट मशीन है उस वो एक इंटरनेट से कनेक्टेड है करेक्ट डॉकर क्या करता है एक ब्रिज बनाता है तुम्हारे होस्ट कंप्यूटर से एंड जो भी तुम डॉकर कंटेनर बनाते हो वो उस ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होता है ओके सो लेट्स सी हाउ वी कैन लाइक हाउ टू वेरीफाई दैट यस वी आर कनेक्टेड टू ब्रिज सो हेयर वॉट आई कैन से First of all, make sure that our Docker daemon is running. So let's start the Docker daemon. Okay. So as you can see that my Docker daemon is now getting started. So wait karte hain Docker daemon ka start होने का. Yeah. So my Docker daemon is now uh, running. And if you're following along with me, मतलब तो अगर तुम इस वीडियो को follow कर रहे हो, so तो मैंने एक uh, Docker image को deploy किया है, तो तुम्हें भी उस image को use करना है and just code along with me, okay?

अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा एक Ubuntu सर्वर रन करेगा ओके सो यू कैन से दैट इफ यू से यू नेम सो एक Ubuntu सर्वर रन कर रहा है ओके okay? अभी ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है ना इसके पास इंटरनेट एक्सेस है पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या ये डॉकर कंटेनर इंटरनेट से कनेक्टेड है सो एल से पिंक गूगल डॉट कॉम सो एज यू कैन सी दैट येस आई एम एबल टू पिंक गूगल डॉट कॉम करेक्ट

ओके okay, इस ब्रिज नेटवर्क को यूज करके मेरे कंटेनर को इंटरनेट एक्सेस मिलता है एंड इसको कौन मैनेज करता है इसको मैनेज करता है डॉकर खुद तो ये पर्टिकुलर जो मेरा कंटेनर है ये किससे कनेक्टेड है ब्रिज नेटवर्क से बाय डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क यूज होता है ठीक है व्हाट यू कैन डू व्हाट मोर यू कैन डू यू कैन से डॉकर ओके डॉकर नेटवर्क एलएस तो जैसे तुम इस कमांड को रन करोगे यू कैन सी दैट तुम्हारे पास एक ब्रिज नेटवर्क होता है जिसका नाम भी ब्रिज है टाइप भी क्या है ब्रिज तो इस ब्रिज नेटवर्क के थ्रू हमारा ये वाला पर्टिकुलर कंटेनर कनेक्टेड है यू कैन इवन से डॉकर इंस्पेक्ट ओके एंड देन यू कैन से ब्रिज तो यू वॉन्ट टू ब्रिज इंस्पेक्ट द ब्रिज नेटवर्क सो आई से डॉकर इंस्पेक्ट ब्रिज एंड इफ आई से एंटर, कैन यू सी वन थिंग हेयर दैट दिस इज द नेम ऑफ आर कंटेनर जो हमने अपने कंटेनर को नेम दिया था राइट right? एंड उसका आई एड्रेस क्या है ये सो इट इज हाउ इट इज कनेक्टेड इट इज़ कनेक्टेड बाई ब्रिज नेटवर्क ओके बिकॉज हमने डॉकर इंस्पेक्ट किया था ब्रिज एंड येस हमारा ब्रिज से ये सर्वर वन कनेक्टेड है सो so ये तो हुआ हमारा बाय डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क करेक्ट डॉकर में वी कैन इवन क्रिएट आर ओन कंटे आर ओन नेटवर्क ओके लेट्स डू वन थिंग लेट्स रन अ डॉकर रन ओके कंटेनर रन करते हैं इंटरक्टिव एंड आई विल नेम इट आ सर्वर टू ठीक है इसका नाम मैं क्या करूँगा सर्वर टू एंड इसको भी मैं क्या करूँगा अपने पीयूष गर्ग गर्गडेव स्लैश नेट वर्किंग लैब से कनेक्ट करता हूँ ठीक है सो देर इज सम टाइपो सो नेट वर्किंग लैब या सो नाउ इट इज कनेक्टेड राइट नाउ इफ आई वॉन्ट टू सी माई ओन आई पी एड्रेस कैन आई से होस्ट ने माइनस आई सो माई आई पी एड्रेस इज दिस ओके एंड इसमें भी देखते हैं कि इसमें हमारा आई पी एड्रेस क्या है सोएल से होस्ट नेम होस्ट नेम आई ओके ना कैन आई पिंक लाइक फ्रॉम दिस कंटेनर क्या मैं इसको पिंक कर सकता हूँ ए क्वेश्चन फॉर यू तो करके देख लेते हैं सोइेल से पिंक एंड इसका आई पी एड्रेस लेते हैं ठीक है एंड अगर मैं इसको पिंक करता हूँ यू कैन सी येस आई एम एबल टू पिंक क्यों बिकॉज वो दोनों डॉकर नेटवर्क से कनेक्टेड है बाई डिफ़ॉल्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है बट वॉट इफ आई से पिंग सर्वर वन सर्वर वन इस वाले कंटेनर का नेम है राइट सो इफ आई से एंटर यू कैन सी दैट नेम और सर्वर इज नॉट नोन ठीक है तो बेसिकली मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ वाया आई पी एड्रेस बिकॉज वो सेम नेटवर्क पे है बट मैं सर्वर वन यूज़ करके उसको पिंग नहीं कर पा रहा बिकॉज दे आर ऑन द डिफॉल्ट नेटवर्क सो इससे क्या लाइक वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू यू कैन डू वॉट यू कैन डू यू कैन गो टू यर्मिनल ओके सो तुम अपना खुद का एक टर्मिनल लॉन्च कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट यूर ओन ब्रिज नेटवर्क सो इफ आई से डॉकर नेटवर्क एंड आई सेटवर्क एंड आई से एंटर सो यू वॉट यू कैन डू यू कैन से डॉकर नेटवर्क एंड देन दमांड सो आई वि डॉकर नेटवर्क एंड आई विल क्रिएट अ न्यू नेटवर्क ओके आई क्रिएट अ न्यू नेटवर्क ट से मेरे इस नेटवर्क का नेम होगा लेट से दिस इज माई यू नो वर्क नेटवर्क कुछ भी नाम दे सकते हो सो so, मैंने इसको क्या बोला वर्क ना एक नेटवर्क क्रिएट हुआ ठीक है सो आई कैन से डॉकर नेटवर्क एल एस तो जैसे मैं अपने डॉकर नेटवर्क को एल एस करता हूं यू कैन सी दैट मेरा एक वर्क नेटवर्क uh, बन चुका है राइट right? जो किस टाइप का जो ब्रिज टाइप का है ठीक है अब इसका बेनिफिट क्या है ना वॉट आई कैन डू आई कैन ईवन रन मोर कंटेनर से इंग डॉकर ओके सो इफ आई है जूम इन अ लिटल बिट आई कैन से डॉकर रन इंटर एक्टिव देन नेटवर्क ओके मैं एक नेटवर्क पैरामीटर पास कर सकता हूँ दैट इज वर्क एंड देन आई कैन से द नेम इज स थ्री स व थ्री एंड मैं क्या कर सकता हूँ अपनी इमेज का नेम दे सकता हूँ दैट इज प्यूश डिव स्लैश नेट वर्किंग लैब अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये पर्टिकुलर जो मेरा कंटेनर है ना ये एक अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसका नाम है वर्क ठीक है सो इफ आई से होस्ट नेम आए ठीक है सो यू कैन सी दैट ये एक अलग क्लास को बिलोंग करता है सी ये ये वन सेवेंटी टू पॉइंट वन वाली क्लास में है, ये वाला भी हमारा 17 वाली क्लास में था लेकिन दिस वन बिलोंग्स टू 19 क्लास Why? Because ये एक अलग network पे है जो हमने खुद बनाया, which is a bridge network, ठीक है? तो इसके पास भी internet access तो है, but it's on a different network. इसका benefit बताता हूँ. What you can do, uh, मैं इसको exit करता हूँ, ठीक है? पहले. And what I will say, I will say docker, ठीक है? Uh, docker uh, network connect. What I want to do, जो मेरा ये server one है ना, मुझे ना इसके work network से connect करना है. तो so, ऐसे docker network connect. सर्वर वन ठीक है सर्वर वन को कनेक्ट कर दो इफ यू से जस्ट डॉकर नेटवर्क कनेक्ट देन आई विल सेट मेरे नेटवर्क का नेम क्या है मेरे नेटवर्क का नेम था वर्क एंड आई विल से दैट जो मेरा कंटेनर वन है दैट इज सर्वर वन ओके सर्वर वन को कनेक्ट कर दो जैसे मैं एंटर करूँगा अब ये पर्टिकुलर मेरा कंटेनर वर्क नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है ठीक है सो आई कैन से होस्ट ने माइनस आई एंड यू कैन सी इसके पास दो आई पी एड्रेस है तो ये 19 वाली क्लास से भी कनेक्टेड है दैट इज वर्क एंड वो दूसरी क्लास से भी कनेक्टेड है तो यानी कि दिस पर्टिकुलर कंटेनर इज नाउ कनेक्टेड टू टू ब्रिज इसका बेनिफिट बताता हूँ आई कैन इवन से इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कंटेनर जो मेरा सर्वर थ्री है डॉकर स्टार्ट सर्वर थ्री ठीक है सो मेरा सर्वर थ्री इज नाउ रनिंग एंड आई कैन से डॉकर एग्जेक्ट एग्जीक्यूट

एंड नाउ मैं डॉकर को उसके नेम के साथ पिंग कर सकता हूं करेक्ट सिमिलरली भी क्या कर सकता है ही कैन पिंग सर्वर थ्री सर्वर थ्री या तो जब तुम सर्वर थ्री को पिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस फेच कर लेगा फ्रॉम दी वर्क नेटवर्क एंड आई एम एबल टू पिंक अ कंटेनर बाय इट्स नेम तो ये तो था ब्रिज सो बेसिकली ब्रिज डिफॉल्ट होता है अगर तुम कुछ भी नेटवर्क स्पेसिफाई नहीं करते एंड यू कैन इवन क्रिएट योर ओन येटवर्क जो ब्रिज टाइप के हो सकते हैं सो दिस वॉज ब्रिज नेटवर्क ठीक है so, ब्रिज नेटवर्क बनता कैसे तुम्हारी होस्ट मशीन से ही डॉकर एक ब्रिज नेटवर्क बनाता है सो दिस वॉज ब्रिज एंड ब्रिज का एक लाइक uh, like, एक चीज क्या होती है विच आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई लेट्स क्लोज दिज ऑल सर्वर्स ठीक है तो मैं इन सर्वर्स को क्लोज कर देता हूँ इफ यू सी केयरफुली जो मेरी ये लैब है ना नेटवर्किंग लैब इसमें इफ यू सी एल एस यू कैन सी एक नोड सर्वर है सो आई कैन से नोड इंडेक्स डॉट जे एस जैसे मैं नोड इंडेक्स डॉट जे एस कर सकता हूँ कीप इन माइंड ये मेरा ब्रिज नेटवर्क पे है ठीक है

सो वॉट आई नीड टू डू इन केस ऑफ ब्रिज नेटवर्क ओके सो वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू रन दिस पर्टिकुलर कंटेनर अगेन यूजिंग पोर्ट मैपिंग सो आई स डॉकर पहले डॉकर स्टार्ट so है? है? uh, so है? करते हैं इस इस पर्टिकुलर सर्वर को सो दैट वॉज सर्वर वन ठीक है एंड नाउ आई कैन से डॉकर रन इंटरक्टिव ठीक है नॉट रन एक्चुअली एग्जीक्यूट सो आई वॉन्ट टू रन सर्वर वन ठीक है एंड आई वॉन्ट टू सेम एक पोर्ट मैपिंग करते हैं कि जो मेरा एट थाउजेंड पोर्ट है ना कंटेनर का उसको ना तुम मेरी मशीन के एट थाउजेंड पर ही एक्सपोज कर दो ठीक है एंड वॉट आई वॉन्ट टू रन आई वॉन्ट टू रन अ बैश स्क्रिप्ट नाउ इफ आई से एंटर सम एरर अ कर्ट लेट इट अगेन सो आई से डॉकर रन इंटर पोर्ट ओके माइनस पी सो पोर्ट एट थाउजेंड को आई विल मैप इट टू पोर्ट एट थाउजेंड एंड आई विल दैट रन प्यूश गर्ग डेव स्लैश वर्किंग लैब ठीक है सो या सो इफ आई से एंटर एंड आई से नोड नोड इंडेक्स डॉट जे एंटर किया तो मेरा पोर्ट 8000 पे पर रन कर गया ना इफ आई हिट अर्ली फ्रेश यू कैन सी माई सर्वर इज रनिंग तो बिकॉज क्या हुआ वो 8000 जो पोर्ट था ना वो मेरे सर्वर मतलब वो मेरे कंटेनर के अंदर था तो मैंने क्या किया कि उसको मैप कर दिया कि यार जो इस पर्टिकुलर नेटवर्क जो डिफरेंट नेटवर्क है ना ब्रिज नेटवर्क है उसका 8000 थाउजेंड मेरी होस्ट मशीन के 8000 थाउजेंड पर माफ कर दो एंड जब मैंने रिफ्रेश किया मैं डॉकर के अंदर का सर्वर एक्सेस कर पा रहा हूँ खुद के ब्राउजर पे सो दिस इज़ इन केस ऑफ ब्रिज नेटवर्क ठीक है सो दिस वाज ब्रिज नेटवर्क व्हिच इज़ बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट कम्स द होस्ट नेटवर्क इसमें हम क्या करेंगे इसमें यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट योर डॉकर कंटेनर टू योर होस्ट मशीन अभी तक तो हम एक ब्रिज यूज़ कर रहे थे फिर इसमें क्या होगा तुम्हारा जो होस्ट का आईपी एड्रेस होगा ना मतलब मेरी मशीन का वो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा मेरे डॉकर कंटेनर से सो so, इसको इजी है बहुत लाइक uh, like इसको रन करना बहुत इजी है व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू फर्स्ट से डॉकर नेटवर्क नेटवर्क एल एस सो यू कैन सी दैट हमारे पास एक होस्ट नाम का एक नेटवर्क है बाय डिफॉल्ट जिसका टाइप क्या होस्ट जिसका मतलब ड्राइवर क्या होस्ट सो वॉट आई कैन डू आई कैन से डॉकर रन इंटर ठीक है एंड so, होस्ट में तुम्हारी पोर्ट मैपिंग नहीं होती ठीक है सो इट सेज दैट If a container is running on a host network, जो तुम्हारे ये publish ports या port mapping होता है वो ignore हो जाती है ठीक है Because you are on your machine, right? तुम खुद का internet use कर रहे हो तो उसमें port mapping की जरूरत नहीं है So what you can say, Docker run interactive, and I will say network, ठीक है तो network, and I will say host. तो basically इस particular Docker container को मैं खुद के internet से connect कर रहा हूँ मतलब मेरे खुद के host network से connect कर रहा हूँ And I will say my image name is पीयूष डेव स्लैश lab. राइट एंड इफ आई प्रेस एंटर सो यू कैन सी नाउ आई एम there राइट एंड जी पर्टिकुलर इफ आई से होस्ट नेम ओके होस्ट नेम minus i तो मैं किस होस्ट पे लाई कर रहा हूँ ठीक है सो यू कैन सी दैट आई एम ऑन 192, 168, 654। सिक्सटी ये पहले वाले हैं राइट जो हमने पहले ट्राई किए थे तो इनको आप इग्नोर कर सकते हो सो कैन यू सी दिस थिंग दैट मैं किस पे हूँ मैं पे हूँ एंड अगर मैं अपने खुद की मशीन का आई पे एड्रेस देखूँ ठीक है तो ये मेरी खुद की मशीन है आई कैन से आई हैन सर्च फॉर वन एटी टू पॉइंटी एट सो यू कैन सी दैट वी आर ऑन सेम क्लास जैसे या सो एज यू कैन सी हम दोनों सेम क्लास में और सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है जिस नेटवर्क uh, से मेरा डॉकर कंटेनर कनेक्टेड है उसे मेरी होस्ट मशीन कनेक्टेड है बिकॉज हमने नेटवर्क क्या दिया होस्ट तो होस्ट में बेसिकली तुम अपने डॉकर कंटेनर को डायरेक्टली होस्ट मशीन के साथ कनेक्ट कर लेते हो जो ब्रिज नेटवर्क होता है वो एक आइसोलेटेड नेटवर्क होता है जो होस्ट होता है वो आइसोलेटेड नहीं होता वो तुम्हारी ही मशीन के पोर्ट्स और तुम्हारी ही मशीन का सारा कुछ यूज़ करता है ठीक है डॉकर जो रेकमेंड करता है वो क्या कहता है कि तुम खुद का एक ब्रिज नेटवर्क बनाओ दैट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वे मतलब इवन डॉकर का जो अपना डिफॉल्ट नेटवर्क बनता है ना ब्रिज उसको भी मत यूज़ करो तुम डॉकर नेटवर्क क्रिएट जैसे हमने वर्क नेटवर्क बनाया था तो डॉकर से यार खुद का तो एक नेटवर्क बनाओ खुद के जो जब तुम एक आ, कंटेनर को रन करते हो खुद के उस नेटवर्क में रन करो दैट इज द मोस्ट रिकमेंडेड वे फ्रॉम डॉकर तो वी नो वॉट इज ब्रिज हमें होश पता लग गया देन कम्स द ओवरले ठीक है ओवरले यूज होता है बड़ी इंडस्ट्रीज में इसमें क्या होता है जैसे मेरे पास अभी एक डॉकर डीमन रनिंग है राइट दिस इज अ डॉकर डीमन रनिंग बिकॉज मेरे पास एक ही सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है दैट यू हैव हाँ मल्टीपल सिस्टम्स और सब पे अपना अपना डॉकर डीमन चल रहा है तो ओवरले नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं इन सब डीमन्स को एक नेटवर्क पे लेके आ सकते हैं अब वो प्रैक्टिकली मेरे लिए ये करना पॉसिबल नहीं है बट इफ़ यू रन इफ यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन इट्स इज ओवरले नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल डॉकर डीमन्स टुगेदर टू इनेबल सॉम सर्विसेज मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल डॉकर डीमन्स है मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं उनको सेम नेटवर्क पर लेके आ सकता हूँ यूजिंग ओवरले नेटवर्क सो so, दिस ओवरले नेटवर्क ठीक है देन कम्स आई पी वी लैन एंड मैक वी लैन ठीक है इसमें क्या होता है आई पी वी लहन में हम क्या करते हैं हम खुद की आई पी एड्रेस मैपिंग दे सकते हैं एक पर्टिकुलर कंटेनर को ठीक है सो इफ़ आई गो डाउन सो यू कैन सी द कमांड सो वॉट यू कैन डू यू कैन क्रिएट योर ओन नेटवर्क दैट इज ऑफ टाइप आई पी वी लहन और इसमें तुम क्या करते हो तुम खुद का आई पी एड्रेस की एक पूल uh, असाइन कर सकते हो ठीक है सो इसमें इन्होंने सबनेट किया वन नाइनटी टू पॉइंट वन सिक्सटी एट पॉइंट वन पॉइंट जीरो तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जितने भी हमारे uh, डॉकर कंटेनर्स चलेंगे तो वो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर लाइक करेंगे मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि आ, क्या है मेरी रेंज जिसके अंदर वो आई पी एड्रेसेस असाइन होने चाहिए सो आई पी वी लान गिवज यू मोर कंट्रोल सो इफ इट गिव्स यू लाइक यूजर्स कंट्रोल ओवर बोथ आई पी वी फोर एंड आई पी वी सिक्स एड्रेसिंग सो लेट्स से दैट मेरी कोई यू नो सर्वर है या मेरा कोई सर्वर है जिसको मैं पर्टिकुलर पोर्ट पे पर्टिकुलर आई पी एड्रेस पर रन करना चाहता हूँ सो आई कैन स्पेसिफाई माई ओन रेंज लाइक जो थोड़े से एडवांस यूजर्स होते हैं तो वो अपने डॉकर कंटेनर्स का एक आईपी पूल असाइन कर सकते हैं और उस पूल के अंदर ही हमारे डॉकर कंटेनर्स को आईपी एड्रेस मिलेगा सो इट्स मोर कंट्रोल्ड ठीक है ताकि तुम्हारा कोई आईपी कॉन्फ्लिक्ट ना हो तुम्हारे नेटवर्क पे देन कम्स दी मैक वी लैन विच इज़ माई फेवरेट मैक वी लैन में क्या होता है ना अगर मैं तुम्हें वर्चुअली समझाऊँ तुम्हारा जो डॉकर कंटेनर है ना उसको ना तुम डायरेक्टली प्लग कर देते हो तुम्हारे होम के राउटर से ठीक है समझाता हूँ कैसे जैसे ये मेरा लैपटॉप है ये लैपटॉप डायरेक्टली मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है मेरे राउटर से कनेक्टेड है एंड मेरे राउटर के पास इस पर्टिकुलर मशीन का एक मैक एड्रेस है करेक्ट एंड अभी तक हम जितने भी कंटेनर चला रहे थे वो मेरे ही सिस्टम का नेटवर्क यूज़ कर रहे थे मतलब मेरा ही मैक एड्रेस यूज़ कर रहे थे मैक वी लाइन में क्या होता है ना हम एक डॉकर कंटेनर को उसको खुद का एक मैक एड्रेस दे देते हैं एंड हम वर्चुअली उस पर्टिकुलर कंटेनर को डायरेक्टली हमारे राउटर से कनेक्ट कर देते हैं सो इफ़ यू गो टू इन मैक वील एन ठीक है मतलब तुम खुद की ना एक मशीन बना रहे हो और उसमें तुम कुछ भी करो ठीक है तुम्हारा खुद का मैक एड्रेस होगा एंड आफ्टर डूइंग एनी थिंग लाइक सम सॉट ऑफ हैकिंग या फिर कुछ भी यू you नो know, काम एंड देन वॉट यू कैन डू यू कैन एक्चुअली रिमूव दिस पर्टिकुलर कंटेनर एंड वो मैक एड्रेस भी रिमूव हो जाएगा सो इट्स लाइक यू नो कनेक्टिंग अ फिजिकल मशीन अ फिजिकल कंटेनर टू यूर होम नेटवर्क सो इसमें वॉट यू कैन डू यू कैन क्रिएट अ मैक वील एन नेटवर्क एंड इसमें यू कैन गिव अ सबनेट जैसे हम आई पी में देते थे देन यू कैन गिव अ गेट वे जहाँ पर तुम तुम्हा, मतलब तुम्हारे राउटर का आई uh, पी एड्रेस मतलब तुम्हारा गेट वे क्या है तुम्हारा राउटर कौन सा जिससे कनेक्ट करना है एंड यू कैन इवन गिव देरेंट ड्राइवर जिसके थ्रू कनेक्ट करना है तो इससे क्या होगा जो तुम्हारा पर्टिकुलर राउटर uh, है ना उसको लगेगा कि एक फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड है उसके साथ जिसका खुद का मैक एड्रेस है खुद का आई पी एड्रेस है एवरीथिंग लाइक दैट सो मैक वील एंड इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ नेटवर्क इन साइड अ डॉकर कंटेनर ठीक है एंड देन लास्ट में आता है नन नन का मतलब होता है दैट उसको किसी भी तरह का नेटवर्क देना ही नहीं ठीक है तो uh, अगर हम कोई नन बनाते हैं तो इफ आई से टर्मिनल एंड आई से डॉकर डॉकर रन इंटरक्टिव ठीक है एंड आई से नेटवर्क टू बी नन ठीक है तो मैंने इसको क्या बोला नन बोल दिया एंड लेट्स रन आर पीयूष गर्ग डेव सो पीयूष गर्ग डेव स्लैश नेट वर्किंग लैब एंड जैसे मैं इंटर करूंगा तो मेरी नेटवर्किंग लैब इज नाउ रनिंग एंड इफ आई ट्राई टू पिंग गूगल डॉट कॉम सी वॉट विल है टेम्परेरी फेलियर ठीक है हुआ क्या बिकॉज मैंने इसको नेटवर्क क्या दिया नॉन इफ आई इफ आई एग्जिट माई कंटेनर एंड आई सी डॉकर नेटवर्क एल एस सो यू कैन सी नन का मतलब होता है नल बेसिकली हमने अपने उस पर्टिकुलर कंटेनर को ना इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं दिया तो ना तो उसके पास कोई आई पी ड्रेस है ना कोई मैक एड्रेस है बस वो एक मशीन है जो तुम्हारे कोड को रन कर सकती है उसके पास किसी भी तरह का इंटरनेट एक्सेस नहीं है सो बाय स्पेसिफाइंग नन तो तुम क्या कर सकते हो तुम डिसेबल कर सकते हो हर तरह की नेटवर्किंग फ्रॉम योर डॉकर कंटेनर सो यू नो ब्रिज डिफॉल्ट होता है खुद के ब्रिज नेटवर्क बना सकते हैं विच इज द मोस्ट रिकमेंडेड वे होस्ट तुम्हारी मशीन का डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस मतलब तुम्हारी मशीन के होस से वो कनेक्ट हो जाता है तुम्हारा डॉकर कंटेनर एंड इट शेयर्स द सेम आई पी एड्रेस ऑफ योर होस्ट नेटवर्क ओवरले मल्टीपल डॉकर डी को इकट्ठे कनेक्ट करना आई पी वी लैन इट गिव्स यू मोर कंट्रोल कि क्या आई पी एड्रेस की रेंज असाइन करनी है तुम्हारे उस डॉकर कंटेनर्स को मैक वी लैन बेसिकली इट्स काइंड ऑफ कनेक्टिंग योर डॉकर कंटेनर डायरेक्टली टू योर राउटर मतलब इसमें हम क्या करते हैं डॉकर कंटेनर को फिजिकली कनेक्ट करना कनेक्ट uh, करने का सिम्युलेट करते हैं हमारे नेटवर्क से एंड देन नन स्टैंड फॉर किसी भी तरह का कोई नेटवर्क एक्सेस देना ही नहीं हमारे डॉकर कंटेनर को लास्ट में यू हैव सम प्लग इन्स लाइक थर्ड पार्टी प्लग इज विच यू कैन यूज फॉर यू नो मोर यूटिलिटी थिंग्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट डॉकर नेटवर्किंग ओके सो आई होप आपको डॉकर नेटवर्किंग एक आइडिया लग गया होगा दैट डॉकर नेटवर्किंग कैसे काम करती है हाउ यू कैन कंट्रोल डॉकर नेटवर्किंग इन साइड अ डॉकर कंटेनर सो दिस वॉज ऑल अब दिस वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक जरूर करना मिलता हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटल देन बाय बाय टेक केयर